वो जो दिल से खुशी आती है ना ट्रेलर देखने की, जो पहले थी मुझे कि यार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कब आ रही है, अब आप देखने के बाद यार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे हैं रिएक्शन बाय सुलेमान और आज हम एक ट्रेलर लेके आए हैं जो कि जिसका कि काफ़ी इंतज़ार था आप सभी को और मुझे भी। तो मूवी का नाम है सोटी। ये वो वाली सोटी नहीं है जो हमको स्कूल में काफ़ी पढ़ा करती थी हेडमास्टर से और टीचर्स से, तो ये दूसरी वाली सोटी है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जब हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो हमारे जहन में आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा आते हैं जिन्होंने धूम मचा दी थी अपनी पहली मूवी से। सभी डेब्यू कर रहे थे उस फिल्म से, करण जौहर ने उसको डायरेक्ट किया था। 2012 में मूवी आई, मुझे आज भी याद है जब मैं देखने गया अपने कजन्स के साथ देखने गया था इस मूवी को और मैंने बड़ा इंजॉय किया। और 2.5 घंटे का टाइम और गाने कमाल के, एक्टिंग बहुत अच्छी, आलिया भट्ट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, वरुण धवन की एक्टिंग, सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग, आई मीन सभी बेहतरीन थे। तो अब ये उसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए था। किसी भी मूवी का सेकंड पार्ट तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि मेकर्स को यकीन ना हो कि यार इसकी स्टोरी पिछली से पावरफुल होगी और उस मूवी को जस्टिस करेगी, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें जो कास्ट है, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे जो कि चंकी पांडे की साहबजादी यानी बेटी हैं, वो डेब्यू कर रही हैं, और तारा सुतारिया वो भी डेब्यू कर रही हैं इस फिल्म से, तो ये टाइगर श्रॉफ के साथ दिखेंगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पुनीत मल्होत्रा ने जो कि फेमस डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा के भाई हैं, जिन्होंने करण जौहर के बैनर के अंडर ही 2 मूवीज पहले भी डायरेक्ट की थी जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। शायद आपको याद हो आई हेट लव स्टोरीज, सोनम कपूर और इमरान खान, और जो अगली मूवी थी वो भी इमरान खान के साथ ही थी, गोरी तेरे प्यार में। दोनों मूवीज़ के गाने बड़े हिट हुए थे लेकिन मूवीज़ नहीं चली थी, उसमें करीना कपूर और इमरान खान ही थे। तो इमरान खान तो तब उसके बाद से हमें दिखाई नहीं दे रहे फिल्म्स में, और पुनीत मल्होत्रा को उसके बाद अब थर्ड चांस करण जौहर ने दिया है कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएं कि भाई उनकी डायरेक्शन कैसी है। तो देखें, एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा मैं डरा हुआ भी हूँ कि यार ये पिछली वाली मूवी का नाम ख़राब ना कर दें, और कुछ बातें मेरे जहन में इस वक्त फुदक रही हैं बाहर आने के लिए जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले ट्रेलर देख लेते हैं, ट्रेलर के बाद मजीद बातें करते हैं। हो सकता है ट्रेलर देखने के बाद जी मैं कहूँ मैं बड़ा इंप्रेस हो जाऊँ और मैं वो बातें आपसे ना ही करूँ। तो ट्रेलर देख लेते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का, जिसको पुनीत मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है, और लेट्स स्टार्ट। I declare the 29th annual Intercollege Dignity Cup open! New arrivals. Life अगर मैदान है तो उसे दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक में सपने, दूसरे में असलियत। जिसे पार वही करता है जो भरोसा किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर करे। चल तेरे साथ क्या बात है, चल चल तू भी बोले बेटा, दिन तेरा था, साल मेरा होगा। कॉन्फिडेंस। एक बार मैं डांस कॉम्पिटिशन जीत गई ना, then there'll be no turning back. अपना हर ड्रीम पूरा करके रहूंगी। अब हो गए लेडीज बाय, पाकिया नाउ प्रिंसेस। गजरे साले, सजनी मिली तो गजनी बन गया। अरे मिर्जुला तू क्या बप्पी लेडी बन गया ये। बप्पी लेडी तुम्हें सेंट ट्रीसा से निकाला जाता। एक हाथ में गर्लफ्रेंड, एक हाथ में ट्रॉफी, ये है तेरी लाइफ का, पर ये तेरी किसी औकात है, स्टूडेंट नहीं, लूजर ऑफ द ईयर। लेकिन ये तो अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त। टेरेसा का स्टड किशोरीलाल चमन्नास कॉलेज के हाथों से डिग्निटी ट्रॉफी हारेगा,
और मेरे हाथों स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जिस दिन कबड्डी कबड्डी कहते हुए तेरे पाले में घुसूंगा, तेरी इज्जत के साथ साथ तेरी पहचान को भी हवा में उछाल दूंगा। दिन तेरा था, साल मेरा होगा। एडमिशन्स ओपन 2019। ओके, सो वी हैव फाइनली सीन द ट्रेलर। और यार क्या बताऊं आपको मैं कि कुछ अंदर से वो जो खुशी होती है ना वो नहीं आई, और एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे नीचे रह गया ये ट्रेलर, नीचे रहा है। अब जब आप इस ट्रेलर को देखते हैं ना तो यार आप कहते हो हो पैसा बहुत पानी की तरह बहाया है। गाने देख लें, लोकेशंस देख लें, तो पानी की तरह पैसा बहाया है वो, नो डाउट। ठीक है, करण जौहर के पास बहुत पैसा है तो वो पैसा लगा सकते हैं मूवी पर। ठीक है, अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है भाई स्टूडेंट इसमें, अब आप कहेंगे कि यार फिल्म है तुम क्यों इतना गहराई में जाते हो, बट मैंने जितना ट्रेलर देखा उसमें नाच रहे हैं या तो गेम्स खेल रहे हैं, भाई कुछ कॉलेज से रिलेटेड तो कुछ दिखाया ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप इसको एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर नाम ना दें और एक वैसे कोई खेल नाम दे दें या कोई कॉम्पिटिशन का नाम दे दें तो ये तो बेसिकली एक कॉम्पिटिशन जिसमें दिखाया जा रहा है, जिसमें दो लड़कियाँ हैं। पहले पार्ट में जी दोनों लड़कों को एक लड़की पसंद आ रही है, इसमें जी दोनों लड़कियां कह रही हैं, एक कह रही है जी आई लव हिम, दूसरी कह रही है सो डू आई, तो ये दो लड़कियां एक लड़के के पीछे पड़ी हैं। टाइगर श्रॉफ, मुझे अकॉर्डिंग टू मी टाइगर श्रॉफ इज एन ओवर रेटेड एक्टर ऑफ बॉलीवुड। अब आई डोंट नो कि आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, जो टाइगर के फैंस हैं मुझे गालियाँ लिखेंगे यहाँ पर, बट मुझे लगता है ओवर रेटेड है। और मुझे टाइगर के जो एक्सप्रेशंस है ना, वो उनकी पहली फिल्म जो आई थी वो क्या नाम था उसका, हीरोपंती, तो उससे लेकर अब तक मुझे उनके एक्सप्रेशन सेम लगते हैं, उनके बात करने का तरीका सेम लगता है, चाहे वो हंसने वाला सीन हो, चाहे वो रोने वाला सीन हो, चाहे वो एक्शन सीन हो, उनके एक्सप्रेशंस एक हैं। और ये एक बहुत मोनोटोनस सी चीज़ हो गई है, एक बहुत रिपीटेडली ये चीज़ आती है जो टाइगर का वो हवा में उछलना, वही वाली किक्स, तो ये थोड़ा एक्शन अब इस तरह थोड़ा सा हट के अब कुछ करना चाहिए। ठीक है, अगले के पास बॉडी है, अगले के पास इस तरह के वो चीज़ें कर सकते हैं, स्टंट्स कर सकते हैं, तो कुछ हट के होना चाहिए था यार। समीर सोनी इसमें मैं हेड का रोल प्ले कर रहे हैं प्रिंसिपल का, जो पिछले पार्ट में ऋषि कपूर प्ले कर रहे थे, तो अब ठीक है एक मूवी हिट हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर उसी का नाम दे के दूसरी एक कोई सी भी चीज़ बना दें और वो भी हिट हो जाएगी। तो ट्रेलर ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। अनन्या पांडे वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, शी वॉज लुकिंग गुड, एज फार एज द एक्टिंग इज कंसर्न मुझे किसी एक्टर की एक्टिंग कुछ इतनी दिल को लगने वाली नहीं लगी। और पढ़ाई का दूर दूर तक कोई कुछ भी नहीं दिखाया ट्रेलर में, सिर्फ नाच रहे हैं, गा रहे हैं कॉलेज में, लव ट्राइंगल चल रहा है, तो कंपटीशन चल रहा है, बेसिकली इट्स अबाउट अ कंपटीशन। ठीक है, तो मतलब है वो जो दिल से खुशी आती है ना ट्रेलर देखने की, जो पहले थी मुझे कि यार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कब आ रही है, अब आप देखने के बाद यार ये है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। तो आई होप कि मूवी अच्छी चले, बट एज फार एज माय प्रेडिक्शन इज कंसर्न्ड ये मूवी इतना बिजनेस नहीं करेगी। टाइगर की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है तो ज़ाहिर है वो तो देखेंगे इस मूवी को, और क्योंकि जो हिट मूवी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर वो भी ज़ाहिर आएंगे देखने के लिए इसको, कि यार शायद उससे मिलती जुलती हो, कुछ ना कुछ उस जैसा हो। तो लेकिन ये है कि डायरेक्टर पे बड़ा डिपेंड करता है, डायरेक्टर चेंज है इस मूवी के, स्टोरी आपकी स्क्रिप्ट पावरफुल नहीं है तो एक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, फिर एक्टर्स भी अगर आपकी स्क्रिप्ट
पावरफुल नहीं है, चलो ठीक है, फिर एक्टर्स ये अपनी एक्टिंग से आपको कम से कम कन्विंस कर लेते हैं यार। आप कहते हैं कि भाई अगले को स्क्रिप्ट ही नहीं अच्छी दी तो, लेकिन अगले ने एक्टिंग अपने रोल को ठीक ठाक निभा लिया। बट एक्टर भी टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग मुझे तो नहीं कुछ खास लगती। तो ये है कि ऑनेस्ट जो दिल में है मेरे वो आपके सामने रख दिया है। अब आप इस पर मुझे अपने व्यूज बता सकते हैं। तो टाइगर के जो फैंस हैं उनसे मैं क्या कहूँ यार, मैं ऑनेस्ट रिव्यू की बात करता हूँ, ऑनेस्ट रिएक्शन की बात करता हूँ, तो मैं आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। जो मैंने देखा है ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है। आपको हो सकता है अच्छा लगा हो, आपके घर में और ही लोग होंगे, हो सकता है उनको ना अच्छा लगा हो। तो ऐसा होता है, हर किसी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। आई होप कि म्यूज़िक अच्छा हो इस मूवी का, जो कि कुछ ऐसे गाने अच्छे अच्छे हमको सुनने को मिल जाएँ, तो हम अपनी प्लेलिस्ट में उसको रख लेंगे। प्रिडिक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा बिजनेस नहीं करेगी, लोगों को नहीं पसंद आएगी। और उसके अलावा रेटिंग की जहाँ तक बात है तो आई विल रेट दिस मूवी 2.5 out of 5। इसकी रेटिंग मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ऑफिशियल रेटिंग नहीं है, ठीक है। और अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। उसके अलावा खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेंगे। उसके अलावा आप मुझे वहाँ पर अगर DM करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट पूरे पूरे चांसेस है कि सबसे पहले पूरी हो जाए। इधर कमेंट में भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी पूरी होगी, लेकिन यह है कि टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके अलावा फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर भी कमेंट करें। इस ट्रेलर के बारे में मुझे कुछ बताएं, आपको कैसा लगा है, और जो मैंने बातें की हैं क्या आप उससे अग्री करते हैं या नहीं करते, तो ये भी बताएं। और इंशाल्लाह व्लॉग्स पे भी काम शाम चल रहा है, तो पिछले जो 2 व्लॉग्स हैं उसको देखें, लाइक शेयर ठोकें वहाँ पे, कमेंट शमेंट करें, तो और भी व्लॉग्स लेके आएंगे और भी रिएक्शंस लेकर आएंगे। बताएं मुझे किस चीज़ पर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मैं उसको पूरा करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे, तो एक और रिएक्शन में आपसे होगी मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।